हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 के स्प्रिंट बैच के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 3 देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे 2 मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं। पहला तो है डेसिमल एक्सपेंशन को समझना। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत देखा था, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद में हम करेंगे कि जो डेसिमल नंबर्स होंगे उन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी बाई क्यू मतलब रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, ये हमारे आज के लेक्चर का एजेंडा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट 2 तरीके से निकल सकता है। कि देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ कि इस पी को मैं क्यू से डिवाइड करूँ, तो हो सकता है कि क्यू क्या हो, एक फैक्टर ऑफ पी हो, मतलब पी का फैक्टर हो। फैक्टर होने का मतलब होता है कि इसके अंदर इसका पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर फैक्टर ऑफ पी होगा तो जो हमारा क्वेश्चेंट आएगा, क्वेश्चेंट को बोल सकते हो, रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर में कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ समझाऊँ, 25 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 टाइम डिवाइड हुआ, -0 आया है, तो 5 क्या है, एक होल नंबर आया हमारा रिजल्ट। लेकिन अगर ये इसका फैक्टर नहीं हो तो क्या होगा, तो उस वाले केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में निकल के आएगा। अब डेसिमल भी 2 तरीके के हो सकते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है, तो जब डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का किया जाएगा 2 रिजल्ट आ सकते हैं। एक रिजल्ट हो सकता है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद में जो हमारा रिजल्ट है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि स्टॉप हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 0.325, 5 पे जाके हमारा रिजल्ट रुक गया है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही 1.27, तो 27 के बाद में हमारा रिजल्ट क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने जो यहाँ लिखे हैं, ये दोनों के दोनों एग्जांपल क्या है, टर्मिनेटिंग के। एक तरीके का डेसिमल और होता है जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो टर्मिनेट नहीं होगा। अब इसमें भी 2 केसेज हो सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक केस तो पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ दोनों केसेस को समझेंगे। तो देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, पहले इन एग्जांपल्स को समझते हैं और उसके बाद में इसके भी 2 केसेस हैं, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, 1.33333 ये आगे तक चल रहा है, कभी भी स्टॉप नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जिसका भी रिपीटेशन होता है उसको कैसे लिखा जाता है, उस नंबर के ऊपर बार लगा के उसको लिख दिया जाता है, तो 1.3 बार। ऐसे यहाँ पे 5757 यानी 57 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.57 बार लिखा जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे 7.3555, अब यहाँ क्या है, 3 रिपीट नहीं हो रहा, ओनली क्या रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, तो इसको 5 के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने स्क्वायर रूट में लिखे हैं, या क्यूब रूट, यहाँ स्क्वायर रूट में लिखा है, √2, √3, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर्स में और इनको अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी बस रिजल्ट को ध्यान रखना, 1.414 --, कभी भी स्टॉप भी नहीं होता और ये रिपीट भी नहीं होता। ऐसे ही 1.732 --, तो यहाँ इन दोनों एग्जांपल्स में खास बात क्या है, यहाँ तो क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, यहाँ क्या होगा, रिपीटेशन भी नहीं होगा और नंबर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी भी टर्मिनेट भी नहीं होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और है, जैसे पाई है, तो पाई क्या होगा, 3.1415 --, तो पाई भी क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर कभी टर्मिनेशन भी नहीं आएगा, यानी वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा और उसमें नंबर का कभी रिपीटेशन भी नहीं होगा। और इसके साथ एक एग्जांपल और मैंने बना दिया, जैसे कि 1.10100100140, तो यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा होगा कि 1 और 0 रिपीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, 1 फिर एक बार 0 आया, फिर 1 के बाद में 2 बार 0 आया, तो मतलब यहाँ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो ये कुछ ऐसा एग्जांपल्स है जो किसके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने 2 कैटेगरी के एग्जांपल समझे, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ
का जो डेसिमल के बाद में जो प्लेसेस थे उनका रिपीटेशन हो रहा था डिजिट्स का, और यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा था, उसके बेसिस पे हमने दो कैटेगरी और बना दी। पहली है हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है जिसको, और दूसरा है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग में कौन से एग्जांपल्स थे, ये हमारे तीनों एग्जांपल्स हैं, वही मैंने यहाँ लिखे हैं वापस से। और नॉन रिपीटिंग में रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और 1.10, 1001, 1001, ये सारे एग्जांपल्स किसके होंगे, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग के। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब रिपीटिंग को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ नोटिस किया होगा तो देखो यहाँ डेसिमल के बाद में जो भी आ रहा था, तीन आ रहा था, वो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा था। यहाँ डेसिमल के बाद में 5757, यानी पूरा का पूरा 57 रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या था, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के तक तो नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, उसके बाद का जो डिजिट था वो रिपीट हो रहा था। मतलब ये तो प्योर ऐसा नंबर है जिसके अंदर डेसिमल के बाद का जो भी डिजिट होगा वो डिजिट्स होंगे, या अकेला डिजिट होगा, या फिर डिजिट्स का कलेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे दो डिजिट है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, रिपीट होगा। और यहाँ पे कुछ प्लेसेस तो रिपीट नहीं होगा, उसके बाद में क्या होगा, नंबर रिपीट होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जिसमें डेसिमल के बाद में जो कुछ भी आ रहा है वो पूरा का पूरा रिपीट हो, उसको हम बोलते हैं प्योर डेसिमल, प्योर रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। और जिसके अंदर डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक रिपीटेशन नहीं होता उसको बोलते हैं मिक्स्ड, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि भाई हमने एक नोट पढ़ा था जब हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले होते हैं, जो कि ये मैंने देखो ब्लैक बॉक्स से जो इंडिकेट किया है, ये हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं इसका मतलब है इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ये हम कर करके भी देखेंगे। इसके अलावा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग में या ये नॉन रिपीटिंग वाले हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले ये होते हैं, इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखना कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों ने अभी देखा है कि रेशनल नंबर्स दो टाइप के डेसिमल्स में हो सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो सकते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर की पी बाई क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो देखो पहला एग्जाम्पल है हमारा 0.15। अब इसको बड़ा सिंपल है इसको कन्वर्ट करना, ये आप बचपन से करते आए हो, ठीक है, जब से आप लोगों ने डेसिमल्स पढ़ना सीखा होगा तब से आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी 6th, 7th, 8th क्लासेस में। क्या है, जैसे ही डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, और डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेज हैं, 1 और 2 प्लेसेज हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 00 लग जाएगा। मतलब हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ये आया। बट हमेशा हमें ध्यान रखना है जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि हमारे को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कि अभी देखो दोनों में 5 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो कोई ऐसा नंबर हमारे को ऐसे नंबर से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो देखो जैसे अभी इसमें भी 5 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम, 3 टाइम, इसमें 5 से डिवाइड होगा 20 टाइम, ठीक है। तो अब हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 3/20 आ गया। अब इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, यहाँ पे 3 और 20 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, साथ में इसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है 20 वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा नीचे, और आगे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो नीचे कितने 0 लग जाएंगे, 4 0 लग जाएंगे। मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या बन गया, 25/10,000। अब इसको भी देखो ये दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 25 बन जा 25,
और ये क्या होगा 100, तो 4 टाइम डिवाइड होगा और आगे दो जीरो है तो दो जीरो ऐसे कैसे लग जाएंगे, तो यानी 1/400 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम इसको देखते हैं तो 2.15 पॉइंट हट के नीचे 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने प्लेसेज हैं, दो प्लेसेज हैं। अब इसके बाद में देखो दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, क्या मुझे दिख रहा है 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये कितने टाइम 20 टाइम होगा, ये 21 में 4 टाइम डिवाइड होगा, 1 बचा, 1 के आगे क्या नोट करेंगे 5 नोट करेंगे तो 15 हो गया, 15 कितने टाइम होगा 3 टाइम होगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो कितना आया 43/20। अगर आगे भी किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो भी करके देखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा आंसर लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली इसको भी करके देखते हैं तो 1.25 पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। अब देखो ये 25 से 5 टाइम डिवाइड होता है, ये 25 से 4 टाइम डिवाइड होता है, तो यहाँ जो ये आया है 5/4 ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें भी हमने देखा था कि दो पार्ट है, एक तो प्योर डेसिमल्स था और एक था मिक्स्ड। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 एग्जांपल्स प्योर के करके देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में मिक्स्ड वाले को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हमारा टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसमें कौन से हैं प्योर वाले हैं, नंबर्स इंटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। इसके मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तीनों एग्जाम्पल्स को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो 0.3 बार, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है और इसका एक्चुअल में मतलब कितना है 0.3333, ये इन्फाइनाइट टाइम्स चलेगा, कोई कभी भी स्टॉप नहीं होगा, यानी टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि इस पूरे नंबर को एक कुछ वैल्यू मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं x, लेट x इज इक्वल 0.3 बार और विच इज 0.3333 ... और इसको हम कुछ इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब क्या करना है हमारे को, भाई हमारा मेजर फोकस है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। देखो अगर ये नंबर ऑफ डिजिट्स हमें पता होते कि डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस तक होते हैं, तो हम डेसिमल को हटाते, नीचे 1 लगाते और कितने डिजिट है उतना क्या कर देते, जितने भी डिजिट होते हैं आगे उतने नीचे 0 लगा देते। लेकिन हमें ये नंबर ऑफ डिजिट्स पता नहीं है ना कितने हैं, ये तो बहुत बार बार आएंगे, तो इसको करने का एक नया तरीका हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या तरीका है, सबसे पहले इसको एक्स मान लो। अब क्या करना है, देखो मैं एक चीज यहाँ पे नोट के रूप में लिख देता हूँ समझाने के लिए, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं, इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं और इसमें 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं दो बोथ साइड्स क्या करना है, उसके हिसाब से हमारे को दोनों तरफ 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करो। अब मैंने क्या बोला है इसको मैं समझाता हूं। देखो मैंने क्या बोला कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, तो इस दोनों तरफ दो हम क्या करने वाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इससे क्या प्रॉफिट होगा हमारे को अभी आगे पता चल जाएगा आप लोगों को। यहाँ बोथ साइड दोनों को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमारे को, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, वी गेट इस साइड तो x को करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को भी करेंगे। तो x को 10 से किया तो 10x हो गया। अब राइट साइड में करेंगे तो देखो डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ चल जाएगा, यहां से चल जाएगा, पॉइंट यहां उठ के यहां चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3.3333 ... चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसको समझो, ये 3 कितने थे, इनफाइनाइट थे। अभी ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई ऐसा कैसे होता है। जैसे ऐसे समझो कि हमारे पास एक कोई चीज नंबर है 5.25, ठीक है, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है।
मतलब ये 5 का 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना कितना होगा 52 के समथिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किधर हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करने पे राइट में शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। और यही चीज अगर हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट यहां होता, इसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये डेसिमल कहां शिफ्ट हो जाता, यहां, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाता 5.25। तो ये भी चीज आप साइड में नोट कर लेना, इसको मैं बाद में मिटा दूंगा। तो अभी हमारा ये डेसिमल था वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये कितना हो गया 3.333। देखो हमने एक 3 इधर निकाल दिया, लेकिन इनफाइनाइट में से किसी एक चीज को बाहर निकाल दोगे तो अभी भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइटी बोल सकते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हो कि आप लोगों के पास 1 रुपये है, 1 का 1 रुपये मैंने ले लिया, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप बिल्कुल ही क्या हो गए, भिखारी बन गए। लेकिन अगर 100 रुपये में से 1 रुपये दे दोगे तो बहुत कम इम्पैक्ट होगा आप लोगों के ऊपर। और अगर आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपये है तो उसमें से 1 रुपये गिर जाए या फिर गुम जाए या फिर क्या हो जाए, किसी को दे दो, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो हम इसको, इन सभी 3 को अभी भी क्या बोल सकते हैं, 3.3 बार ही बोला जा सकता है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू जिसको हमने माना है इसको p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हम करेंगे अब जो इक्वेशन है हमारी सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को। अब इक्वेशंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 का रिजल्ट पहले लिखा जाएगा 2x, और ये कितना है माइनस का x, और इधर ये कितना 3.3 बार था माइनस 0.3 बार। तो देखो यहाँ पे 10x माइनस x करेंगे तो इधर कितना आएगा 9x आएगा, और इस साइड क्या है देखो 3 बार माइनस 3 बार तो 0 हो गया, और 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3.0, जिसको हम ओनली क्या लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और इधर ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चल जाएगा, और जब इसको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/3, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस एग्जाम्पल को भी मैं सोल्व करके बताता हूँ, इसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या करना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के इस वाले उसको सोल्व करवाता हूँ। तो देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ मैंने अभी बताया कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेकिन सबसे पहले हम मान लेते हैं कुछ कि लेट कि x बराबर कितना है 2.42 बार, इसका एक्चुअल में मतलब कितना है 2.42 चलता रहेगा डैश। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो इससे हमारे को क्या मिलेगा, वी गेट, तो हमारे को मिलेगा इस साइड तो हो जाएगा 100x हो गया, और इस साइड क्या होगा, ध्यान रखना हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो अब ये पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट शिफ्ट होकर किधर चल जाएगा, इधर, तो 42.4242 अब देखो मैं समझाता हूं कि मैंने यहां पे 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 10 से करता तो पॉइंट यहां शिफ्ट होता, उसके बाद में आपको क्या लगता है 2424 रिपीट हो रहा है, एक्चुअल में हमारा रिपीटेशन क्या था 42। अगर हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो 3 बार माइनस हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करते तो 242424 से रिपीट होता, और यहाँ क्या हो रहा था 42424, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको वापस से वैसा ही बना लिया जिससे 42 बार में से 42 बार माइनस होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस 242.42 बार, जो कि क्या है हमारी सेकेंड नंबर इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इक्वेशन सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है 100x में से x माइनस हो जाएगा, और इधर क्या है 242.42 बार में से माइनस हो जाएगा कितना 2.42 बार, तो 42 बार माइनस 42 बार तो कितना हो गया 0 हो गया, 242 में से 2 माइनस करेंगे तो 240 आएगा, और इधर क्या आएगा 99x आ जाएगा। तो
तो अब x अगर निकालोगे तो कितना आएगा 240 डिवाइड बाय 99। अब देखो यहाँ पे यही हमारे को रिजल्ट को छोड़ना नहीं है, हमें इसको क्या करना है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें हम लोग, तो देखो दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं कि मुझे दिख रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 33 टाइम डिवाइड होगा, ये 80 टाइम डिवाइड होगा। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमने इसको क्या कर लिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसका रिजल्ट कितना होने वाला है 80/33। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका मैं हिंट बता देता हूँ या आप लोग खुद ट्राई करना। तो यहाँ हमारे को क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चन से उनको सोल्व करते हैं। अब हमने अभी तक जो भी सीखा है उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं 3-4 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, तो इनको ध्यान से समझना। इनके बेसिस पे आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.4 बार। एक चीज़ तो देखना हमेशा कि डायरेक्ट कभी भी इनको ऐड नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि 0.4 बार और 0.3 बार डायरेक्ट ऐड करके क्या हो गया 0.7 बार। तो ये मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको ऐसा नहीं करना है हमारे को, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमारे को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम करके देखते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले 0.3 बार है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 0.4 बार को वाई मान लेते हैं। अभी मैंने बताया तो अब मैं उनको लिखूंगा नहीं बीच में कि हम ये मल्टीप्लाई किया, मैं आप लोगों को डायरेक्ट यूज करके बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे को रिजल्ट निकालना है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 10x हो गया, इधर कितना हो गया 3.3, वापस से बार लगा सकते हो, इधर कितना हो जाएगा 10y और यहाँ हो जाएगा 4.4 बार हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं हम लोग, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं, इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस करेंगे, और इक्वेशन यहाँ पे मैं इक्वेशन को शॉर्ट में एक तरीके से लिखता हूँ, ये मैं बता देता हूँ, ई क्यू और लास्ट में जो इक्वेशन का एन आता है उसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, तो इसका मतलब इक्वेशन होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिख दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पे 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2 को, तो 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x, इधर 3.3 बार में से 0.3 बार जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 3 बार माइनस 3 बार 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 आएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 3/, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और फर्दर आगे सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। आई होप x की वैल्यू तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सिमिलरली y की वैल्यू होगी, तो इधर क्या होगा 10y माइनस y करोगे तो कितना बचेगा 9y बचेगा, और इधर 4.4 बार माइनस 0.4 बार करोगे तो 4 बार माइनस 4 बार जाएगा तो वो क्या कितना होगा 0 हो जाएगा, और 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आई 4/9 आ गई। तो अब हमारे पास x और y दोनों पता है जिसको हमने ये माना था, तो हम यहाँ पे x प्लस वाई कर लेते हैं, तो 1/3 प्लस 4/9। तो इसको जब वो करोगे LCM लोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, इसके अंदर इसका डिवाइड करो कितने टाइम होगा 3 टाइम डिवाइड होगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा, इसके अंदर इसका डिवाइड करोगे 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, तो कितना आएगा 7/9। लेकिन हमें एक तो अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में रिजल्ट लिखना है तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट हो गया, लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है तो हम लोगों को इसको वापस से जैसा स्टार्टिंग में गिवन था किसके ऊपर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में, तो हमारे को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 7 के अंदर हमें 9 से डिवाइड करना है, तो देखो 0 नोट करेंगे तो डेसिमल लगा देंगे, तो 9/7 = 63 माइनस करेंगे कितना आएगा, सॉरी 9/5 = 9/6 = 63 बचा कितना 7, फिर 0 नोट करेंगे फिर कितना आएगा 7 आएगा, फिर 63 माइनस 0। तो यहाँ पे बाय चांस ध्यान रखना 0.7 बार ही हमारा रिजल्ट निकल के आ गया है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला है कि डायरेक्ट स्टार्टिंग में इनको ऐड नहीं करना है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस वाले एग्जांपल को भी हम सोल्व करके देखते हैं जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन सोल्व करने का प्रोसीजर इसमें भी यही फॉलो करना है, लास्ट में हमारे को रिजल्ट अलग तरीके से फाइंड करना है। तो देखो क्या बोला है कि इफ़
12.4343 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे वो लास्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। उस रिजल्ट के हिसाब से जो फिर जो बनेगा पी और क्यू आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि इसको कन्वर्ट करने पर 7/3 बना, तो यानी कि पी की जगह पर 7 है और क्यू की जगह पर 3 है, तो हम फिर उसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो अभी हो सकता है कि इसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट निकल के आए, वो हम निकालने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले कन्वर्ट वो करने वाली चीज को हमें क्या कर लेना है, एक्स मान लेना 12.43 बार, उसके बाद में इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो इधर कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, उधर कितना होगा 1243.43 बार, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। फिर इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो 100x में से x गया तो कितना आएगा 99x आएगा। इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 43 बार माइनस 43 बार करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग आगे कुछ सोल्व कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे x देखो 1231 डिवाइड बाई 99, ये हमारे x की वैल्यू आएगी। अब इसको क्या करना है मैं एक बार और देख लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं लिखा था हमने स्टार्टिंग में, सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो अब अगर देखो इसमें किसी से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है क्या, 11 फिर यहाँ पे 1 नोट करेंगे, 11 फिर 2 नोट करेंगे, नहीं 11 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो 99 और किसकी टेबल में आएगा, 1 में आता है, 3 में आता है, 11 में आता है, 33 में आता है, 99 में आता है, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी का भी डिवीजन नहीं हो रहा है, तो हमारे को पी बाई क्यू की फॉर्म में मिल गया है। तो ये पी है और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। तो अब हमारे को एक्चुअल में रिजल्ट कितना किसका निकालना था, पी माइनस 7 क्यू का रिजल्ट निकालना। तो हमारे को पी पता है कितना है, 1231 माइनस 7 मल्टीप्लाई क्यू कितना है, 99 है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 97 जा 63 हो गया, 63 का 3 आएगा, यहाँ पे केरी कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 97 जा 63 और 3 कितना हो गया, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ 97 जा 63 का 3 आ गया, केरी कितना आया, 6 आया, 97 जा 63 और 6 कितना हो गया, 69, ठीक है। तो यहाँ पे 69 3 माइनस करना है कितने में से, 1231 में से, ये यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 693। तो देखो यहाँ पे एक बोरो करेंगे तो 11 में से 3 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर यहाँ पे 12 बचा, 12 में से 3 हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे कितना बच गया, 11 बच गया, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। यानी कि इसका जो फाइनल रिजल्ट हमारा आने वाला है वो कितना आ रहा है, 538 आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं उनको भी हम सोल्व करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा क्या है, हाई होगा। तो देखो ये 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसके बाद में एक क्वेश्चन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड वाले को करके इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि हमें इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि इफ 0.ABABAB डैश डैश डैश, अब यहाँ पे ए और बी क्या है, पहले वो समझा देता हूँ। ए और बी एक्चुअल में डिजिट्स है, और ये डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स कोई से भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ए और बी डिजिट्स है, और इसकी वैल्यू जब सोल्व करने पे आती है कितनी आती है, 1/11 आती है। तो हमें बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, तो ये जो ए और बी जो डिजिट्स थे इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे को ज़्यादा नहीं सोचना, हमें अगर ए और बी की जगह कुछ भी डिजिट होता तो हम कैसे स्टार्टिंग करते, वैसे हमारे को अभी भी स्टार्टिंग करनी है। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ, 0.ABABAB, जिसका एक्चुअल में मतलब 0.AB बार है, ठीक है। बराबर कितना दिया है, 1/11, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करते थे कि 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर 100 हमारे को करना है। तो इधर कितना हो जाएगा, तो देखो ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ चल जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा,
तो कितना होगा, ए बी पॉइंट ए बी बार बराबर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 11 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब वहाँ क्या करते थे हम लोग, लास्ट स्लाइड पे हमने क्या सीखा था कि अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ क्या होगा, ए बी पॉइंट ए बी बार में से माइनस करना है 0. ए बी बार, तो ए बी बार माइनस ए बी बार तो 0 हो गया, और ए बी माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, ए बी आएगा। और यहाँ पे देखो 100 अपॉन 11 में से माइनस करना है 1/11, तो आएगा 99 अपॉन 11, 11 एलसीएम आ जाएगा, 100 माइनस 1 99, और 99 में 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और अब यहाँ पे यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब समझाया था, उसका यूज यहाँ करना पड़ेगा हमारे को। तो देखो कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे वो सारी चीज़ें बेसिक से सीखी थी। तो देखो यहाँ पे टेन ए बी है, एक्चुअल में ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ये इसका टेंस प्लेस है, ठीक है, और ये इसका वंस प्लेस है। तो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 10a प्लस बी, यानी जो ए बी ये लिखा हुआ है ये एक्चुअल में कितना है, 10a प्लस बी, और बराबर कितना आ रहा है, 9। अब यहाँ पे इसको चीज को समझना ध्यान से। तो देखो दो नंबर्स का जो 2 डिजिट्स है इनका सम कितना आ रहा है, मतलब इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट का सम आ रहा है 9, और ए और बी यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, डिजिट का काम कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि देखो अगर हम ए की वैल्यू कितनी मान लें, 0 मान के देखें, तो बी कितना होगा, 9, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, और बी 9 हो गया, और हमारे को इसका रिजल्ट भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन अगर हम ए की वैल्यू कुछ और मान के देखें, तो जैसे 1 मान लिया तो कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 1, यानी 10 प्लस बी की जगह पे क्या मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग, तो अगर ए की जगह पे ये माना तो 10 प्लस समथिंग कुछ होगा, तो जो कभी भी 9 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ए और बी तो 0 से 9 तक के डिजिट ही तो होंगे, कोई नेगेटिव डिजिट तो होगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि देखो ए की जगह पे अगर 1, 2, 3, 4 कुछ भी मानोगे और इसके अंदर बी की जगह पे कुछ भी ऐड करोगे तो हमेशा रिजल्ट 9 से बड़ा ही आएगा। मतलब यही एकमात्र ऐसा केस है जिसको अगर रखोगे तो जो रिजल्ट है जो बराबर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। आप लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से समझ में आ गया कि ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 9 होगी। अब उसने रिजल्ट में क्या पूछा था, ए मल्टीप्लाई बी पूछा था, यानी 0 मल्टीप्लाई 9, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लेना। इससे पहले हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को सीखना, उसके बाद में ही अच्छे से इसको नोट करना। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर क्या दिया हुआ, इफ 1.32 बार, ध्यान रखना बार कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीनों के ऊपर बार है, तो ये चीज़ तो आइडिया आ गया होगा कि हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। ये कितना दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई समथिंग है ए और 3 मल्टीप्लाई बी दिया हुआ है, और जहाँ पे ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों कोप्राइम है। अब कोप्राइम का क्या मतलब हुआ, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है एक तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। देन वाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, तो हम इसको सिंपल जैसे हम सोल्व करना शुरू करते हैं वैसे हम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो देखो हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और लास्ट में फिर इसको क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इसके बराबर पुट कर देंगे, ठीक है, फिर कंपेयर करके देखेंगे। तो देखो तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, तो 1000x बराबर क्या हुआ, 1321.321 वापस से बार आ जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, क्योंकि 321 321 321 ये बार बार रिपीट हो रहा था ना, तो ये तो बाकी का पार्ट है जिसको हमने वापस से बार लगा दिया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें से ये जाएगा, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे 1, तो 1000x में से x गया तो 999x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 321 बार में से 321 बार गया तो 0, और 1321 में से 1 गया तो 1320 बचेगा, फिर x कितना आ जाएगा, 1320 डिवाइड बाई 999 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है तो यहाँ देखो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो 3 से 4 बार डिवाइड हुआ, फिर यहाँ कितना बचा, 1 बचा, फिर 4 टाइम डिवाइड हुआ, फिर 0, फिर ये कितना आ गया, 333 टाइम्स डिवाइड हो गया,
ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद में भी तीन से हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो देखो तीन से कैसे चेक करते हैं ये भी मैं एक लेक्चर में पूरा डाल दूंगा कि किससे डिवाइड होगा या किससे डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने इस चैनल पे 1 से लेके 30 तक के सभी नंबर्स के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के लेक्चर्स डाल रखे हैं, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। तो देखो ये नंबर हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे तीन से कैसे चेक करते हैं, इन सबका सम करो। 4 + 4 = 8 + 0 = 8 आता है, 8 में 3 का डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब इस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं होगा, इसमें हो रहा है। तो अब यहाँ आई थिंक मुझे लगता है कि यही क्या है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इसको आगे हम फर्दर वो नहीं कर सकते, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एक और देख लो, अगर 11 से हो रहा तो नहीं हो रहा है शायद, 11 से नहीं हो रहा। तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, 4 के इसके फॉर्म में लिखना है हमारे को। ये एक्चुअल में कितना है, 4a डिवाइड बाई 3b है। तो देखो इसको कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 110 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 × 111 लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना। तो देखो 4 × 110 3 × 111 तो ये बन गया हमारा। तो अब यहाँ पे अब जब कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल रही है 110 और b की वैल्यू मिल रही है 111, ठीक है। तो अब हमारे को एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकालनी थी, बी माइनस ए, यानी 111 - 110 111 में से 110 को माइनस करना है, तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी बी माइनस ए का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, इनको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन करके हम लोग एक टॉपिक और है उसको भी खत्म करते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचा है और इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक करके इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, तो सिमिलरली क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किए थे उनके जैसा ही है, बस थोड़ा सा जो फाइनल रिजल्ट है उनको अलग तरीके से पूछा और इसकी जो रिटर्न लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग तरीके से लिख दी है। तो देखो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को आगे सोल्व करते हैं, तो समझते हैं। तो देखो, इफ द नंबर y इज इक्वल 1.2626, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि दो डिजिट यानी 2626 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कभी आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी, तो जैसा अभी लास्ट स्लाइड पे हमने क्या किया था, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको क्या कर दिया a बाई बी बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे क्या दिया हुआ था, a एंड b आर को प्राइम एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, सेम चीज उसको रिटर्न लैंग्वेज में बोल दिया कि क्या है, वेयर a b आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब जब कॉमन फैक्टर ही नहीं है कोई भी, तो कॉमन फैक्टर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, तो 1 यानी कि HCF कितना आ रहा है 1, और जिनका HCF आता है उनको ही हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी कि कुछ अलग चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई है, सेम वही चीज़ दी हुई है, बस लैंग्वेज बदल दी गई है। और हमें क्या करना है, फाइनल में जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी बाई 2, तो रिजल्ट हमारे को कुछ अलग निकालना है। तो हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, सिंपली इसको कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में जो भी आएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो, तो y बराबर कितना है 1.2626 --- होगा, ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं 1.26 बार, जिसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो क्या होगा, इधर 100 y हो गया और इधर क्या हो जाएगा 126 पॉइंट, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा दो डिजिट, 126.26 वापस से 2626 रिपीट होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो क्या आएगा 100y में से y गया तो कितना बचेगा 99y, और इधर 126 में से 1 गया तो 125, और 26 बार माइनस 26 बार तो ये तो 0 हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो y बराबर 125/99 आ गया, क्योंकि 99 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर इनमें से देखना पहले कोई भी फर्दर सोल्व करके कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्चुअल में, तो किसी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकें, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब कंपेयर करो, जिसको हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि a बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब कंपेयर करोगे तो a बराबर कितना आ रहा है, ठीक है, a बराबर आ गया 125, b बराबर आ गया 99, तो उसने a माइनस बी डिवाइड बाई 2 की वैल्यू पूछी थी, यानी 125 - 99/2, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26/2 विच इज इक्वल टू 13, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया
13 आ गया। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लेना। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, हमने क्या किया था, प्योर डेसिमल, जो प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स थे इनको कन्वर्ट करना सीख लिया था पी बाई क्यू की फॉर्म में। अगर वही चीज मिक्स्ड में आ जाए तो क्या करेंगे, तो मिक्स्ड में आ जाए तो उसको करने का भी सिंपल वही तरीका है। बस सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वन के अंदर इसको, ठीक है, मिक्स्ड को प्योर बनाओ, ठीक है, मिक्स्ड को प्योर बनाओ, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। अब मिक्स्ड को प्योर कैसे बनाए, मतलब ये जैसे मैं इस एग्जांपल से ही लेता हूँ, मैं 0.32 बार है, ठीक है, इसको एक्स मान लो, तो अब यहाँ पे प्योर कब बनेगा, अगर ये 3 इधर आ जाए और डेसिमल कहाँ आ जाए, इधर आ जाए, तो ये प्योर बन जाएगा। तो पहले तो इसको पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं, तो डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करने के लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड कितना बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 10x हो जाएगा, इधर होगा 3.2 बार, ठीक है, ये हो गया 3.2 बार। अब ये बन गया प्योर, अब ये हमारा जो वो है इस साइड में बन गया प्योर, इसको अब इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, अब प्योर बन गया, अब इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। अब जैसे हम नॉर्मल सोल्व करते थे वैसे हमारे को यहाँ भी सोल्व करना है, तो अब क्या करेंगे, जैसे कि एक डिजिट को इधर लाना है हमारे को, ये 3.2222 बार बार आ रहा है, तो जैसे अगर यहाँ पे वाई होता, ठीक है, 10x नहीं होता, वाई होता, तो हम क्या करते, वाई बराबर 3.2 बार, फिर y को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फिर से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से ही क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए। और यहाँ 10 से क्यों किया था, क्योंकि हमें केवल कितना शिफ्ट करना था, एक ही डिजिट शिफ्ट करना था, इस 3 को उठा के इधर लाना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10, तो क्या होगा, इधर तो हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 3.2 बार वापस आने लग जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब इक्वेशन 3 पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना, तो 100x में से 10x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90x आएगा, और इधर क्या होगा, 32 में से 3 माइनस करेंगे तो 29 आएगा, 2 बार माइनस 2 बार तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 29। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 29/90। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आगे फर्दर सोल्व करने की कोशिश करना, वैसे तो नहीं होगा ये, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद में ये एग्जांपल आप लोगों को खुद करना है, इसमें मैं हिंट बता देता हूँ, पहले 2 को इधर लाना है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्या बन जाएगा, 10x बराबर 2.35 बार बन जाएगा। अब डेसिमल के बाद यानी प्योर फॉर्म में बन गया, अब डेसिमल के बाद में 35 यानी दो डिजिट रिपीट हो रहे, तो फिर उस 10x वाला जो वो था उसको इक्वेशन नाम दे देना 2, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दो डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो फिर कितना बन जाएगा, 10x को 100 से करेंगे तो 1000x बन जाएगा। तो इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना, और इसका जो भी आंसर आता है वो कमेंट करके बताना कि हमारा इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है उसमें एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं, तो उसको आप सोल्व करने की कोशिश करना। इसके साथ ही आप 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, वो भी उनके भी सॉल्यूशंस में आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और इसके साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के वीडियोज आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।